जग जगत संसार, बोरानी मति भ्रष्ट होना, पागल होना, सच सत धावे ढोलना, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियम से चलने वाला, धर्मी धार्मिक, प्राप प्राता आसनाना स्नान, आत्म स्वयं पखी नाही, पत्थरों को मूर्तियों को पीर औलिया, मजहब के गुरु कितेब पंथ किताब, मुरीद शिष्य तत वीर उपाय, धिम हरी घमंड करना, गुमान अभियान, पाथर पत्थर परिहे पहनना, छाप तिलक अनुमाना, धार्मिक आडंबर करना, तिलक और माल आदि का उपयोग, सखी साक्षी शब्दाही, गुरु मंत्र आत्म खबरी, आत्मज्ञान मोही मुझे, तुर्क मुसलमान, दोस्त दोस्त दोनों हिंदुओं मुस्लिम, लड़ी लड़ना, मुए मानना, मर्म रहस्य, काहू कोई मंत्र मंत्र, महीम श्रेष्ठता, सिख शिष्य, बड़े डूबना, अंधकाल आदि, समय भ्रम संदेह, केथी कहाँ तक, सहे सहज सामना, शामिल हो जाना। जो सत आचरण करता है, सत में मार्ग पर चलता है, उसे लोग पागल समझते हैं, और सत्य बोलने पर मानने के लिए दौड़ते हैं। जो माया जिन्हें झूठ का आचरण करता है, उसे लोग बातें करके खुश होते हैं। नियमों पर चलने वाला लोग नेमी धर्मी लोग बहुत, जो सभी नियमों का पालन करते हैं, सुबह उठकर स्नान करते हैं, लेकिन वे अपनी आत्मा की नहीं सुनते। ऐसे लोग अपनी आत्मा को मार चुके होते हैं। आत्मा की नहीं सुनते हैं, वे पत्थर में ईश्वर को ढूंढते हैं और प्रतीकात्मक पूजा करते हैं, जबकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य की राह पर चलना और इंसान को इंसान समझना कि वह किस धर्म का, किस जाति का है। यहाँ पर साहेब ने हिंदू धर्म पर कटाक्ष किया। हिंदू धर्म को मानने वाले अपने नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनके असाधारण मिथ्या और झूठ आचरण दिखावे की भक्ति ही होती है। कण कण में ईश्वर वास है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। सत्य से सत्य यही है जो सभी लोगों को समान समझते, किसी पर धार्मिक सामाजिक अत्याचार ना किया जाए, यही सच्ची भक्ति है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान आडंबर और पाखंड से परे नहीं है। मुस्लिम धर्म के उपदेश और औलिया आदि बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन और आचरण में नहीं उतारते। ईश्वर की प्राप्ति के बहुत से मार्ग और माध्यम बताते, लेकिन उन्हें स्वयं ही आत्मज्ञान नहीं है, तो वे लोगों को क्या बतलाएंगे? भाव ही है कि वे पात्र आडंबर ही कर रहे हैं। दूसरी ओर मानवता को भूलकर योग करने वालों पर भी साहेब व्यंग कसते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग अहंकार करके एक स्थान पर बैठे रहते हैं, लेकिन उन्होंने सच्चे रहस्य को प्राप्त नहीं किया। मानवता को भूलकर हिंदू धर्म के लोग
पीपल को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं, लेकिन क्या इनसे ईश्वर की प्राप्ति संभव है? नहीं। जब तक व्यक्ति सद आचरण का त्याग नहीं करता तब तक ही ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। मुस्लिम लोग टोपी पहन लेते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी माथे पर तिलक लगा लेते हैं, माला फेरते हैं, जो साहब के अनुसार और कुछ नहीं सद आचरण ही है। और ऐसे लोग सखी साक्षी शब्द आदि को भूल गए हैं क्योंकि इन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की है। हिंदू धर्म के लोगों को राम प्यारा है और मुस्लिम धर्म के लोगों को रहमान प्यारा है। इसी बात को लेकर दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही रहस्य को नहीं जाना। रहस्य क्या है? रहस्य है कि सभी का मालिक एक ही है, उसे पृथक पृथक दिया है और उसके नाम भी कई रख दिए हैं, लेकिन एक ही पाखंडी लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र कर देते हैं, लेकिन वे स्वयं भी अज्ञान में ही डूबे हुए हैं। अंधकाल में ऐसे लोगों के हाथ सिर्फ पछतावे ही लगना है और कुछ नहीं। अंत में साहेब की वाणी है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, वह जो सहज भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। सहज भाव क्या है? सहज भाव है कि मानवता के धर्म का पालन करें, जीत के प्रति दया भाव रखें, मानव को जीवन समझे और सभी के प्रति समभाव रखें, सभी धर्मों का आदर करें, मोह और माया से दूर रहें, मिथ्या और आडंबर से दूर रहें। यही सहज भाव है।